दोस्तों, अगर आपको भी सुबह उठकर थकान सुस्ती होती है और कई बार बिना मेहनत किए भी ऐसा लगता है कि बहुत थक गए हैं, ऐसी स्थिति में आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। कई बार थकान और सुस्ती बड़ी और गंभीर बीमारियों का भी कारण हो सकती है, जिनका समय पर पता लगाकर इलाज कराना बेहद जरूरी है। अगर किसी को लंबे समय से ये परेशानी हो रही है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। अक्सर कई घंटे तक ऑफिस में काम करने के बाद हम घर आकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। उस वक्त हमारे अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं होती। ऐसा दुनिया में लगभग हर व्यक्ति के साथ होता है। शारीरिक तौर पर बहुत मेहनत के बाद सभी लोग थकान और सुस्ती महसूस करते हैं, लेकिन कई बार बुखार, सर्दी या वायरल संक्रमण की वजह से भी व्यक्ति थकान का अनुभव करता है। लेकिन अगर आपको बिना किसी वजह के लगातार कमजोरी और थकान हो रही है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि ये स्थिति खून की कमी, दिल की बीमारी, अवसाद, कैंसर, संक्रमण समेत किसी बीमारी का लक्षण हो सकती है और इससे बचने के लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे थकान और सुस्ती क्यों होती है। कभी कभी बुखार या नींद न पूरी होने पर भी हम ऐसा ही महसूस करते हैं। इस स्थिति में आप अपने घर और बाहर के काम तक ठीक से नहीं कर सकते। ज्यादातर मामलों में थकान और सुस्ती अनीमिया, अवसाद, फाइब्रोमायल्गिया, किडनी, लीवर और फेफड़े की बीमारी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा ऐसा वायरल और बैक्टीरियल डिसीज की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों, अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दोस्तों, हेल्थ संबंधित वीडियो पाने के लिए आप लक्ष्मण हेल्थ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।